तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज विकास, योर होस्ट एंड मेंटर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी, एंड दिस इज द वीडियो नंबर 2 फ्रॉम वेयर यू विल लर्न द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ओवरव्यू क्या होता है, हमारे ड्रीम्स होते हैं लास्ट सर्कल को टच करना, और हम लोग सीधे लास्ट सर्कल से ही स्टार्ट करते हैं, और हम लोग खुद को मेजर छोटी छोटी अचीवमेंट से ना करके हम लोग सीधे लास्ट वाले सर्कल से खुद को कंपेयर करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमारी स्पीकिंग सीखने की जो इच्छा होती है, जो हमारी बर्निंग डिजायर होती है, वो भी क्या होती है, बुझ जाती है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप कौन सा है, ऐसा कौन सा स्टेप है जिससे हम लोग अपनी स्टार्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो मूव करते फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपनी स्लाइड में जहां पे हम लोग सीखेंगे वीडियो नंबर 2 का टॉपिक। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लेट मी टेक अ पेन। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे ओ पॉइंट की। ओ का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, राइट। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ओ दिख जाएगा उसका मतलब होता है टू गिव ऑर्डर समवन, किसी को ऑर्डर देना। मतलब क्या है, लास्ट में क्या आना चाहिए, ओ। और उस टाइप के सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, वही हम लोग इस वाली स्लाइड में सीखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे बोलना है जाओ, तो जाओ लास्ट में क्या आ गया, ओ। मुझे बोलना है खेलो, तो लास्ट में क्या आ गया, ओ। बुलाओ, तो लास्ट में क्या आ गया, ओ। मैसेज करो, तो क्या आ गया, ओ। रिपोर्ट बनाओ, तो ओ। मोबाइल चलाओ, ओ, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बोलेंगे, वही तो हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले डेली यूज वर्ब। इट मींस कि अगर हमें किसी को ऑर्डर देना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली आपको वर्ब लेना है और उसको बोल देना है। जैसे मुझे बोलना है जाओ, तो गो, आओ, कम, खेलो, प्ले, बैठो, सिट, खाओ, ईट, राइट, सो, स्लीप, उठो, वेक अप। तो जैसे आप देख रहे हो देयर इज अ गर्ल एंड शी इज स्लीपिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला वर्ड है हमारा वेक अप। वेक अप मतलब क्या होता है, उठो। जब हम किसी को बोलते हैं उठो तो वेक अप, आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हो, माय डियर, माय सन, माय डॉटर, राइट, माय फादर, माय मदर। तो ये हो गया वो ऑब्जेक्ट की बात हो गई, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उठो, तो उठो की क्या हो गई, वेक अप, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रश, ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को साफ करो, तो लास्ट में क्या आ गया, ओ। जब आपका माउथ ओ बन जाए इट मींस कि वी आर गिविंग द ऑर्डर टू समवन, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रश मतलब दांतों को साफ करो, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्लैश, जब हम लोग ब्रश कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग आंखों में छींटे मारते हैं, राइट। तो छींटे मारते हैं हम लोग जो उसको बोलते हैं स्प्लैश। स्प्लैश मतलब क्या होता है, मुंह में छींटे मारो या फिर मुंह धो लो, राइट। तो स्प्लैश योर माउथ, अपने मुंह को साफ करो, लास्ट में क्या आ गया, ओ। मतलब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ बेटा अपने मुंह को साफ करो, तो वो हो गया स्प्लैश। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे शावर, राइट। तो यहाँ पे टेक शावर भी बोल सकते हो, शावर भी बोल सकते हो, टेक बाथ भी बोल सकते हो, बट हमारा जो लेटेस्ट वर्ड है वो हमारा क्या है, शावर। आई एम टेकिंग शावर या फिर आई एम शावर, ये नाउन भी है और हमारा वर्ब भी है, राइट। तो यहाँ पे हो गया किसी से बोलना है नाओ, तो शावर, राइट, या फिर टेक शावर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रेक, ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। ये जो हमारा ये वर्ड लिखा हुआ है, ये इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, एंड वी कैन आंसर, प्लीज कमेंट योर प्रोनाउंसिएशन ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टू हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ पे क्या हैव ब्रेकफास्ट, इसका मतलब है यहाँ पे खाना, सॉरी खाना नहीं, इसका मतलब क्या है, सुबह की पहली मील लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक, 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 आगे ही तो भैया प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट नहीं, इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा? ब्रेकफास्ट, भले ये फास्ट लिखा हो, इसका मतलब क्या है? ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, मतलब क्या है कि ब्रेकफास्ट कर लो, तो लास्ट में क्या आया? ओ। अगर मैं किसी से बोलना है भैया ब्रेकफास्ट कर लो तो हैव ब्रेकफास्ट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गेट ड्रेस, गेट ड्रेस मतलब क्या है? कपड़े पहन लो, तो कपड़े पहन लो, लास्ट में क्या आ गया? ओ। तो ओ आ गया मतलब कि सीधे सीधे वर्ब बोल देना है, तो गेट और ड्रेस मतलब कपड़े पहन लो। नेक्स्ट हमारा आता है गो, गो का मतलब क्या है भाई साहब? गो का मतलब ये है, गो का मतलब क्या है? ये जो एरो दिख रहा है, इट मीन्स कि अगर कोई चीज हमसे दूर जा रही है या मुझे बोलना है निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? गो, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कम, तो अगर वही चीज हमारे पास आ रही है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? कम। जैसे हमको बोलना है इधर आओ, मेरे पास आओ, तो कम टू मी, कम मतलब आओ, मेरे पास आओ, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टेक। टेक मीन्स क्या होता है? किसी चीज को लेना, मतलब लाओ, लाओ मतलब सॉरी लो, लो मतलब टेक। अगर हम किसी चीज को किसी को दे रहे हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, एंड ही इज अ अंकल एंड ही इज गिविंग समथिंग टू दिस बॉय और एनी गर्ल, we can't define the proper gender but okay we always take he। to ye uncle kya hai ki kuch de rahe, it means ki uncle ne isse bola lo matlab take, to uncle ka order tha kiske liye? is boy ke liye, to take matlab kya hota hai? lo। next hum baat karte hain yahan pe give, give means kya hoga bhai sahab? give means hoga kisi cheez ko dena, lo matlab wo kya hai? do। अगर हम किसी चीज से कोई मांग रहे हैं किसी से कोई चीज, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गिव। गिव मीन्स क्या होगा? दो, राइट। जैसे कि ये पर्सन इनसे कह रहे हैं भाई साहब मुझे ना 2 रुपए दो, तो ये इनको दे रहे हैं, इट मीन्स कि इनने मांगा होगा। क्वेश्चन किन ऑर्डर किससे आया होगा? इनसे कि भैया दो, मैंने तुमको पैसे दिए थे वो मुझे दो, राइट। नेक्स्ट हमारा है ओ माई गॉड, छोटू मुस्कुरा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्माइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है? स्माइल। स्माइल जैसे कि लड़का मुस्कुरा रहा है, बच्चा प्यार से, इसके दांत भी नहीं दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्माइल। तो जब कोई विदाउट शोइंग हिज और हर टूथ एंड ही स्माइल, दैट इज कॉल्ड स्माइल, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्माइल कर रहे हैं बालक, क्यों? इनके दांत नहीं देख रहे हैं, राइट। So these are the words that we learned in today, and in the next slide we will learn more words so that we can enhance our verb list so we don't need to face any problem while speaking English language. So guys, take care and milte hum log next video mein, till that time stay home, be happy।